कृषि मीडिया एंड टेक किसानों के सपनों को दे एक नई उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित चीमा। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल कृषि मीडिया एंड टेक। आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे महिंद्रा 265 Di भूमि पुत्र नोट 9 के कल्टीवेटर के ऊपर आप लोग इसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं कैसा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ही जबरदस्त चल रहा है ट्रैक्टर, आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल लीवर पे से आप लोग देख सकते हैं, जो हाइड्रोलिक लीवर है उस पे से किसान ने हाथ हटा रखे हैं और ट्रैक्टर आप लोग देखेंगे बिल्कुल ही स्मूथ चल रहा है, किसी तरीके का कोई स्लिपेज नहीं है। किसान भाई के साथ भी आपका दोस्तों परिचय कराएंगे, कैसा ट्रैक्टर लगा उन्हें, कब से चला रहे हैं महिंद्रा, इससे पहले कौन सा ट्रैक्टर चलाते थे, सारी चीज़ें आपको वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। फिलहाल में आप लोग देख रहे हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिल रहा है, बिल्कुल ही स्मूथ चल रहा है ट्रैक्टर आप लोग देखेंगे। 265 है पावर प्लस, कोई दोस्तों किसी तरीके का लोड नहीं ले रहा ट्रैक्टर, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। दोस्तों किसान भाई को रुकवाते हैं ट्रैक्टर को और जानते हैं थोड़ा ट्रैक्टर के बारे में, कैसा परफॉर्मेंस है, क्या माइलेज वगैरह इसका देखने को मिलता है। पहले तो जी एक बार अपना परिचय दे दो जो सामने से आपको किसान भाई देख रहे हैं, अपना जो नाम वगैरह है और अपना जो पता है। गांव डूंगरा जाट है जी, और यहाँ जो मड़ावली में ज़मीन है इसको कर रहा हूँ। तो बबलू जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये है, आपने महिंद्रा कब खरीदा है? ये लगभग छः सात महीने हो गए। तो इससे पहले अपने पास कौन सा ट्रैक्टर था? ये मेरे पास एस्कॉर्ट था। एस्कॉर्ट था, उसके बाद आपने महिंद्रा पर जी किया। तो महिंद्रा से जैसे कि आप बता रहे हैं 6-7 महीने आपको चलाते हुए हो गए, हर तरीके से आपने चला लिया होगा इसको, हर इंप्लीमेंट पर चला लिया होगा, आज तक कभी कोई शिकायत ट्रैक्टर के अंदर आई? महिंद्रा में कोई शिकायत नहीं, इससे तो बढ़िया क्या नाम है तेल का एवरेज जी, और क्या नाम है इससे बढ़िया जुताई, बढ़िया ट्रल खींचे है जी, ये सबसे बढ़िया बेहतरीन चलता है। अगर इसके माइलेज की हम बात कर लें किसान, क्योंकि किसान भाइयों के मन में सवाल आता है ट्रैक्टर को खरीदते समय कि माइलेज कैसा मिलेगा, यानी कि एवरेज कैसा मिलेगा ट्रैक्टर? नहीं, एवरेज तो बहुत बढ़िया है, एवरेज में तो आप इससे बढ़िया कोई ट्रैक्टर ही ना जी। लगभग अगर हम एक अंदाजा लें, जैसे कि आप कल्टीवेटर चला रहे हैं इसके पीछे, तो लगभग कितना डीजल खा लेता है घंटे के अंदर? या फिर ये चीज़ तो खैर मैंने नहीं एवरेज लगाया जी, 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 नापा नहीं है? हाँ, नापा नहीं है कभी जी, जी, जी। और रोटावेटर कभी आपने टेस्ट किया इसके ऊपर? हाँ, क्या नाम है, ये 265 है और 7 फीटा रोटावेटर, बहुत बढ़िया खींचता, बढ़िया चलाता है। आप अपने काम के लिए चलाते हैं या फिर किराया भाड़ा भी? नहीं नहीं, अपने काम के लिए, अपने काम के लिए चलाते हैं जी। तो अपना जो है खुद का ही काम करते हैं? हाँ, हाँ, खुद का ही काम करते हैं जी, जी, जी। और कुछ ट्रैक्टर के बारे में बताना चाहेंगे? सबसे बढ़िया तो एक तो ट्रॉली का काम है, ट्रॉली पे जो ये सबसे बढ़िया है, जो रोड पे चलता है तो बहुत ही ना के समान तेल खाता है। और भी चलते हैं हमारे साथ, सोनाली का है और भी ट्रैक्टर है तो वो भी चलते हैं, लेकिन जो सोनाली का है और उससे कम से कम कुछ ना, तो लगभग आधे से ज्यादा का तो थोड़ा फर्क है, आधे से ज्यादा का फर्क, आधा का तो है ही है आधे का फर्क जी, जी जी जी। यानी कि कुल मिलाकर ट्रैक्टर बेस्ट है? हाँ, ट्रैक्टर किसान अगर अपने लिए ले रहा है तो ट्रैक्टर निश्चिंत हाँ, हाँ, निश्चिंत है के लिए महिंद्रा से बढ़िया कोई ट्रैक्टर नहीं है जी, जी 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 जी। तो दोस्तों जैसे कि हमारे साथ चलाए, मैंने महिंद्रा भी वो भी चलाया है, एस्कॉर्ट भी चलाया है, सोनालिका भी चलाया है, एक फोर्ड था, फोर्ड भी चलाया है, ट्रैक्टर बहुत चलाए जो 3600 है। हाँ हाँ जी जी जी। लेकिन न्यू हॉलैंड भी चलाया, लेकिन जो इससे बढ़िया मुझे ट्रैक्टर नहीं लगा जी। आपको अगर कुछ पता हो थोड़ा वो ट्रैक्टर के बारे में, तो कितने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है अपना ये 265 है, ये जो क्या नाम है बोलते तो ऐसा क्या नाम है, अब इस टाइम 39 हॉर्स पावर में जी, जी जी। तो दोस्तों हमारे साथ किसान भाई जुड़े हुए थे, ट्रैक्टर के बारे में आपको जानकारी दी, साथ में आपको माइलेज भी बताया, कल्टीवेटर के ऊपर इसका परफॉर्मेंस भी दिखा दिया आपको दोस्तों, नोट 9 के कल्टीवेटर चल रहे हैं महिंद्रा देता है
जी, इसकी जुताई के बाद, इसकी जुताई अगर तीसरे किलो में चलाएंगे तो दो बार में आलू लगवा देगा जी। इतनी बेहतरीन जुताई, इतनी बेहतरीन जुताई। कभी कोई स्लिपेज वगैरह नहीं लेता? नहीं, स्लिपेज देखो गीले में तो सभी लेते हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। वैसे अगर नॉर्मल जैसे अपना खेत है, बढ़िया चलता है? हाँ, बढ़िया चलता है। आप देख रहे हो, आप देखना रहे कल्टीवेटर कितना लगा हुआ है। मैं देख रहा था, बहुत बेहतरीन चल रहा था ट्रैक्टर, स्लिपेज वगैरह कुछ ले नहीं रहा था, लोड नहीं है, खूब कल्टीवेटर लगा हुआ है। जी जी जी। तो दोस्तों, हमारे साथ किसान भाई जुड़े हुए थे, आपको अपना परिचय भी दिया, माइलेज वगैरह भी बताया, साथ में कल्टीवेटर के ऊपर आपको परफॉर्मेंस भी दिखा दिया है। इसका महिंद्रा 265 DI ट्रैक्टर है दोस्तों। ये थी दोस्तों एक छोटी सी डेमो और परफॉर्मेंस वीडियो। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और पास वाले बेल आइकन को भी ऑन करिएगा। फिर मिलेंगे आपसे इसी तरीके की शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।